गुड मॉर्निंग क्लास, आई होप यू विल गुड टुडे एंड वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। मैंने पिछली एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन करवाया बच्चों, और सेकंड क्वेश्चन जो बीच में रह गया था उसको आज हम कंटिन्यू आज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को अब हम क्या था, क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन बच्चों, कल जो पीछे रह गया था हमारा क्वेश्चन वो आज हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इरेशनल नंबर, ये हमारा क्वेश्चन कल पिछले लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो आज हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। लेट अस अज्यूम दैट स्क्वायर रूट इज रैशनल नंबर, तो हमें क्लास इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रैशनल मान लेते हैं। और रैशनल नंबर बच्चा पता है आपको किसके फॉर्म में होता है, ए बाय बी। तो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इक्वल टू ए बाय बी, सच दैट कैसा, ए और बी क्या दोनों का एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, मीनिंग ए आर बी आर को प्राइम नंबर्स। अब इस बात को हम कंट्राडिक्ट कर देंगे लास्ट में, रॉन्ग साबित कर देंगे इस पॉइंट को कि एच सी एफ ए और बी का क्या होता है, 1 होता है, तो इरेशनल नंबर ना हो करके क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर प्रूव हो जाता है क्लास। तो यहाँ से स्टार्ट करें, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू ए बाई बी, यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी क्लास, बी डिवाइड में है उस तरफ जाएगा मल्टीपल में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू बी। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बी है ना, इसको दोनों तरफ स्क्वेयर करें, तो ए का स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बी का होल स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वेयर 3 होता है बच्चों, और बी का बी स्क्वेयर। अब इक्विटी इन डिविजन लेमा मीनिंग क्या हुआ इस इक्वेशन से, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 बी स्क्वेयर से, कि ये अर्थ हुआ कि ए स्क्वेयर को 3 से जब डिवाइड किया जाता है तो क्वेश्चेंट हमारा बी स्क्वेयर आता है और रिमाइंडर 0। इस पॉइंट से हमें ये क्लियर हुआ कि 3 ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है 0 और क्वेश्चेंट क्या होता है, बी स्क्वेयर। तो मीनिंग 3 किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वेयर को। जब कोई नंबर किसी के स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो उस खुद को नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी 3 डिवाइड्स ए, यदि 3 डिवाइड्स क्या करता है, ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो क्या करेगा, उस ए को भी डिवाइड करेगा। तो आगे क्या होगा बच्चों कि ए 3 को डिवाइड करता है, तो मान लेते हैं क्वेश्चेंट क्या आता है, सी आता है और रिमाइंडर 0। तो इक्वली रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए इज इक्वल टू 3c, यानी डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 3c। अब ए की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे बच्चों, इन इक्वेशन 1, कौन सी, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3b स्क्वेयर में, यहाँ पे जहाँ ए है वहाँ पे ए की वैल्यू 3c पुट करते हैं, तो 3c का स्क्वेयर इक्वल टू 3b स्क्वेयर, 3c का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9, c का स्क्वेयर c स्क्वेयर, 9c स्क्वेयर इक्वल टू 3b स्क्वेयर। अब 3 डिवाइड मल्टीपल में है बी स्क्वेयर के साथ, तो उधर जाएगा तो बच्चों क्या होगा, डिवाइड में, 9c स्क्वेयर डिवाइड बाय 3 इक्वल टू बी स्क्वेयर, तो यानी क्या होगा, 3 1 3 3 3 9, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, c 3c स्क्वेयर। यहाँ से अब मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से बच्चों बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3c स्क्वेयर से मीनिंग ये हुआ कि बी स्क्वेयर को जब 3 से डिवाइड किया जाता है
तो क्वेश्चन तो आता है सी स्क्वेयर और रिमाइंडर आता है जीरो, ठीक है। रिमाइंडर आता है जीरो, मतलब थ्री क्या करता है, बी स्क्वेयर को डिवाइड करता है। थ्री डिवाइड्स बी स्क्वेयर। अब थ्री बी स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो थ्री किसको डिवाइड करेगा, थ्री डिवाइड्स बी आल्सो। किसी नंबर के स्क्वेयर को यदि थ्री डिवाइड करता है तो थ्री किसको डिवाइड करेगा, बी को भी। अब यहाँ देखो, आप थ्री डिवाइड्स बी और थ्री डिवाइड्स ए, जब कोई एक नंबर ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है, तो यानी कि ए भी थ्री का मल्टीपल हुआ और बी भी थ्री का मल्टीपल हुआ, यानी क्योंकि थ्री डिवाइड्स बी और थ्री डिवाइड्स ए दोनों को जब डिवाइड करता है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ना, थ्री डिवाइड्स बी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि यहाँ से एच सी एफ की वैल्यू क्या आई दोनों की, ए और बी का एच सी एफ की वैल्यू क्या आई, थ्री। क्यों, क्योंकि इससे क्या बताया चला है कि ए एंड बी बोथ आर मल्टीपल ऑफ थ्री, यानी जब ए और बी दोनों थ्री के मल्टीपल हैं तभी तो थ्री डिवाइड्स ए कर रहा है, ए को थ्री डिवाइड कर रहा है और बी को भी थ्री डिवाइड कर रहा है, तो यानी दोनों का कॉमन एच सी एफ की वैल्यू क्या आई, थ्री। और हमने स्टार्टिंग में हमने माना क्या कि दोनों की एच सी एफ की वैल्यू क्या है, वन के अलावा और कुछ नहीं है, तो इससे दिस कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, जो हमारे स्टार्टिंग में जो हमने माना उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, दिस कंट्राडिक्ट दिस कंट्राडिक्ट दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट गलत साबित करता है कि ए और बी को प्राइम नंबर है। सो आवर अजप्शन इज रॉन्ग, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इज ए इरेशनल नंबर। नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं क्लास। प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ फाइव इज इरेशनल नंबर। अब हम ये प्रूव करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ फाइव क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। प्रूफ, लेट अस अज्यूम दैट स्क्वायर रूट ऑफ फाइव इज ए रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ फाइव क्या है, रेशनल नंबर है। कैसा, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव इज इक्वल टू ए बाय बी सच दैट, क्या
HCF, दोनों का HCF क्या हो, किसका, ए और बी का। ए और बी का HCF की वैल्यू क्या है, 1, मीनिंग ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ये ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ से बी डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीपल में, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया क्लास, स्क्वायर रूट ऑफ 5 × b, डिवाइड में है उधर जाएगा मल्टीपल आई में, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 b। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा स्केयरिंग, SQUARE, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड करें तो क्या होगा बच्चों, ए का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 b का कंप्लीट होल स्क्वायर। तो ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का क्या आएगा, 5, और बी का 20 स्क्वायर, 5 b² मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से क्या अर्थ निकला बच्चों, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 b² से, कि ए स्क्वायर को जब कौन डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर तो आता है 0 और क्वेश्चन आता है 20 स्क्वायर, 5 क्या करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है और क्वेश्चन आता है 20 स्क्वायर और रिमाइंडर आता है 0, मीनिंग 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। जब 5 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या करता है, 5 क्या करेगा, 5 डिवाइड्स ए आल्सो ए को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 5 क्या करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5 क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, करता है। उसके बाद यानी ए को 5 जब डिवाइड करता है कंप्लीट, तो रिमाइंडर आता है 0 और क्वेश्चन क्या आता है, सी मान लेते हैं, क्या आता है, सी मान लेते हैं। तो यानी यहाँ से क्या मीनिंग निकला, कि ए इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई सी प्लस रिमाइंडर, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ए इज इक्वल टू 5 c आ गया क्लास। अब ए की वैल्यू पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, क्वेश्चन 1 में पुट करें तो क्या आएगा आंसर, 5 c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 b² 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c² इक्वल टू 5 b² 5 मल्टीपल में है उधर जाएगा डिवाइड में, 25 c² डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 20 स्क्वेयर, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 20 स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 c² 5 c² मीनिंग क्या निकला, यहाँ से 20 स्क्वेयर को क्या करता है, 5 डिवाइड करता है क्वेश्चन आता है 6 स्क्वेयर और रिमाइंडर आता है 0, मीनिंग ये निकला यहाँ से, 20 स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 c² है ना, यही स्टेप से हमें ये कंफर्म हुआ कि 5 डिवाइड करता है 20 स्क्वेयर को और क्वेश्चन 6 स्क्वेयर आता है और रिमाइंडर आता है 0, यानी 5 डिवाइड्स 20 स्क्वेयर। अब 5 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो
तो फाइव क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा बी को भी। अब दोनों यहां से देखो, फाइव डिवाइड्स बी और फाइव डिवाइड्स ए, यानी ए को फाइव डिवाइड करता है, बी को भी फाइव डिवाइड करता है, तो मीनिंग क्या हुआ, दोनों का एचसीएफ की वैल्यू, ए और बी दोनों का एचसीएफ का मान क्या होगा, फाइव हो गया। क्योंकि इन दोनों से ये मीनिंग हुआ कि ए भी फाइव का मल्टीपल होता है और बी का भी बी भी फाइव का मल्टीपल होता है। तो ये मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से दोनों का एचसीएफ की वैल्यू फाइव आती है। लेकिन हमारी अजप्शन, हमने जो स्टार्टिंग में माना था एचसीएफ की वैल्यू क्या होती है, ए और बी दोनों की एचसीएफ की वैल्यू वन होती है, इस पॉइंट को कंट्राडिक्ट साबित करता है ये पॉइंट फाइव। मीनिंग यहाँ से दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग रॉन्ग हेंस स्क्वेयर रूट ऑफ फाइव इज ए इरेशनल नंबर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर फोर, प्रूव दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। बच्चों अब हमें ये प्रूव करना है कि थ्री प्लस टू स्क्वेयर रूट ऑफ फाइव इज इरेशनल नंबर। प्रूफ में हम कैसे करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मान लेते हैं। कैसा, थ्री प्लस टू रूट फाइव इक्वल टू ए बाई बी, सच दैट एचसीएफ ऑफ ए एंड बी आर वन, मीनिंग ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। यहां से सॉल्व करें तो टू रूट फाइव इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ए बाय बी माइनस थ्री, प्लस का है इधर आएगा माइनस थ्री। अब हमें पता है कि ए बाय बी माइनस थ्री इज ए रैशनल नंबर, मीनिंग वी नो दैट ए बाय बी माइनस थ्री इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मीनिंग टू रूट फाइव इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बट दिस कंट्राडिक्ट बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन बट दिस कंट्राडिक्शन बिकॉज
स्क्वायर रूट ऑफ फाइव इज ए इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर, सो आवर अजप्शन अजप्शन इज रॉन्ग, हैंस हैंस 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ए इरेशनल नंबर। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या है 5 का? प्रूव दैट 1 / √2 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे करेंगे? लेट अस अज्यूम दैट 1 / √2 इज ए रैशनल नंबर मान लेते हैं। रैशनल नंबर कैसा? सच दैट 1 / √2 इज इक्वल टू ए बाय बी, सच दैट HCF ऑफ ए एंड बी आर वन एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स। देन फ्रॉम दिस यहाँ पे क्या करेंगे? इस क्लास रेसिप्रोकल कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 / 1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू बी बाय 1 हो जाएगा अब क्लास। और बी बाय ए, बी एंड ए आर इंटीजर, देन ए बी बाय ए इज ए रेशनल नंबर है बी बाय ए, देन स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर हो गया। तो बट वी दिस कंट्राडिक्ट दैट, बट दिस कंट्राडिक्ट दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। हैंस आवर अजप्शन सन इज रॉन्ग। हैंस 1 / √2 इज ए इरेशनल नंबर।